सके। आज राजस्थान भर में भारतीय जनता पार्टी हल्ला बोल के नाम से पूरे राजस्थान भर के उपखंड मुख्यालयों पर हल्ला बोल के नाम से प्रदर्शन कर रही है और इस सूखी हुई कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा है, क्योंकि जब ये कांग्रेस सरकार सरकार में आई थी तब इन्होंने वादे किए थे कि हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे, हम बिजली के बिल कम करेंगे। बिजली की दरें कम करने तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने बिजली के दरें बढ़ाकर और बिजली कटौती करके आम किसान पर, युवाओं पर और यहाँ के जो आम उपभोक्ता उस पर बड़ी भारी इन्होंने चोट की है। इसके अलावा हमारे जो युवा साथी है उनको रीट परीक्षा के माध्यम से जिनकी बड़ी उम्मीद थी, जो सरकारी भर्तियाँ उनसे चाहे पटवारी परीक्षा हो चाहे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, लेकिन इस सरकार ने इन परीक्षाओं को सबको संदेह के घेरे में लाके खड़ा कर दिया। आज आप देखिए रीट के नाम से 35-40 लोग जेल के अंदर है, सरकार के खुद के लोगों पर बैठे हुए आरोप लग रहे हैं और ये सरकार CBI से जांच नहीं करवा रही है, जबकि इनके CBI से जांच करवा कर जितनी भी भर्तियाँ हुई है उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो सरकार के लोग इसमें शामिल हैं उनको बर्खास्त करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा बेमौसम बारिश से हमारे किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुँचा है। गेहूँ और बाजरा की सरकारी खरीद के बारे में भी हमें स्थानीय प्रशासन से निवेदन किया कि शीघ्र खरीदारी शुरू की जाए ताकि किसानों को राहत मिले और जो गेहूँ जो हमारा खराबा हुआ है उसका उचित मुआवजा किसानों को मिले, इतनी मांगों को लेकर। और स्थानीय प्रशासन जब से नगर पालिका में डीडवाना का बोर्ड बना है, कांग्रेस का बोर्ड बना है, तब से यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण होते हैं, सफाई होती नहीं है, यहाँ का पूरा प्रशासन और स्थानीय नगर पालिका प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सड़कें यहाँ पर बहुत कमज़ोर और घटिया निर्माण का काम हो रहा है, सरकारी राशि का दुरुपयोग हो रहा है, स्थानीय प्रशासन सुनता नहीं है। विधायक जी स्वयं इन कामों में इनको पसरे मिला हुआ है, विधायक जी का आशीर्वाद इन सबको इन गलत कामों को करने के लिए कांग्रेस के लोगों को मिला हुआ है। इसलिए डीडवाना की सारी जनता और सारे लोग इस बात का लेकर ज्ञापन दिए हैं, अगर इस तरह के काम बंद नहीं होंगे तो हम सड़कों पर बड़ी लंबी लड़ाई इनके खिलाफ लड़ेंगे और इसी जो प्रशासन के खिलाफ और जो प्रशासन के लोग ये बैठे हैं भ्रष्ट लोग, इनके खिलाफ हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे।